हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यहां पर, आप अगर वन प्लस के किसी भी स्मार्टफोन पर हाइड्रोजन ओएस को इंस्टॉल कराते हैं या फिर आपके पास हाइड्रोजन ओएस है उसमें आपको गूगल प्ले सिस्टम अपडेट देखने को नहीं मिलता है, परंतु वो आपके डिवाइस में पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है परंतु आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। इसमें आपको केवल चाइनीज एप्लीकेशन ही देखने को मिल जाते हैं। इंडिया में काफ़ी हद तक चाइनीज एप्लीकेशन बैन हो गए हैं जो कि आपको यहाँ पर ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन के रूप में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप हाइड्रोजन ओएस का यूज करना चाहते हैं तो उसमें आपको गूगल प्ले स्टोर का ना होना बहुत बड़ी ही आपके लिए एक परेशानी का सबब होता है, परंतु यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल प्ले स्टोर आप कैसे इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए गूगल प्ले सर्विसेज पहले से ही अवेलेबल होती है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब आपको काम करना होता है गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करना, तो आपको इसके ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर सर्च पर आपको टैप करना है और google.in ओपन कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट कुछ भी ओपन करेंगे तो यहाँ पर ओपन नहीं होता है, वो सब कुछ ब्लॉक होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर APK डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पर ये कुछ रिजल्ट आ जाते हैं, आपको पहले नंबर के रिजल्ट पर टैप कर देना है और यहाँ से गूगल प्ले सिस्टम अपडेट को आपको डाउनलोड करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट के द्वारा गूगल प्ले सिस्टम अपडेट को डाउनलोड करना है। तो ये कुछ इस तरीके से गूगल प्ले स्टोर आपका डाउनलोड होने लगेगा और ये एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन ओएस पर स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि स्कैन करता है फाइल को और ये बता देता है कि अनऑफिशियल स्टोर सोर्स ऐप है। तो जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड पार्टी वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड किया है, अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू इंस्टॉल कर देना है और ये एप्लीकेशन कुछ ही क्षण में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको इसे ओपन करना है और आपका गूगल प्ले स्टोर आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट है वो लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ पर जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लिया है, कुछ इस तरीके से नेक्स्ट करते हुए आई एग्री आ गया है। इस तरीके से आप गूगल प्ले सिस्टम अपडेट को शुरू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर आ गया है। अब आप यहाँ से सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यूट्यूब को डाउनलोड किया है, इसको ओपन कर रहा हूँ तो ओपन हो गया है कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर ये सभी एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से गूगल प्ले सिस्टम अपडेट का मज़ा ले सकते हैं अपने हाइड्रोजन ओएस पर। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ में चाइनीज एप्लीकेशन नहीं चाहिए तो उनको आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने में आपको ज़्यादातर ऑप्शंस अवेलेबल देते हैं, परंतु कुछ एप्लीकेशन इसके सिस्टम एप्लीकेशन के तौर पर काम करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।